इंडियन जियोग्राफी फिजियोलॉजी सिंचाई के साधन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर्स इन हिंदी। एक, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? सही जवाब पंजाब। दो, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है? सही जवाब 31.1%। तीन, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? सही जवाब इंदिरा गांधी नहर। चार, किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? सही जवाब तमिलनाडु का। पांच, सारण सिंचाई नहर निकलती है? सही जवाब गंडक से। छह, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है? सही जवाब 6%। सात, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? सही जवाब दक्षिणी। आठ, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सही जवाब उत्तर प्रदेश में। नौ, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है? सही जवाब 56%। दस, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है? सही जवाब गुजरात। 11, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? सही जवाब कुएं और नलकूप। 12, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? सही जवाब दक्कन के पठार में। 13, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? सही जवाब इंदिरा गांधी नहर। 14, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है? सही जवाब लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। 15, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सही जवाब गंडक से। 16, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? सही जवाब सतलुज से। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे